हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर टेक्नोगुजू पर। मेरा नाम है कार्तिक व्यास और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्नोगुजू। तो दोस्तों आज हम यहां पर बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जिससे मैं यूट्यूब चैनल मैंने खोला और यूट्यूब पर मैंने आगे बढ़ना स्टार्ट किया। तो कौन सा टॉपिक है वो? तो गाइज वह टॉपिक है रोपोसो। रोपोसो से आज तक बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कमाई की होगी। किसी ने 7,000 10,000 कमाए होंगे, किसी ने 20-30,000 कमाए, किसी ने 50,000 भी कमाए होंगे। मेरी गिनती जो है 50,000 के ऊपर में से होती है रोपोसो से कमाने वाले लोगों में, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर हुआ क्या है कि रोपोसो ने अर्निंग देना बंद कर दिया है, ठीक है। मतलब रोपोसो अब अर्निंग नहीं देता है। बहुत सारे लोगों के अकाउंट ब्लॉक हो चुके थे, उन सभी के अकाउंट अनब्लॉक भी कर दिए, लेकिन रोपोसो ने अर्निंग देना बंद कर दिया, वो भी बिल्कुल बंद कर दिया। थोड़ा सा अगर बंद किया होता, मतलब थोड़ा सा कम कर दिया था। सबसे पहले रोपोसो एक वीडियो पर 50 रूपये देता था, उसके बाद रोपोसो ने एक वीडियो पर 30 रूपये देना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद रोपोसो ने एक वीडियो पर 20 रूपये देना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद जीरो, मतलब एक भी रुपया रोपोसो नहीं देता था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उसके बाद रोपोसो ने क्या किया कि अंबानी जी ने, मैंने वीडियो भी अपलोड किया था कि अंबानी जी ने रोपोसो के ऊपर पैसे लगाए और बहुत सारी अर्निंग हो सकती है और मोनिटाइजेशन का सिस्टम रोपोसो लेके आ रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं। रोपोसो ने बड़ी बड़ी बातें की और उसके बाद रोपोसो बंद हो गया, मतलब अर्निंग देना बंद कर दिया, और इसी की वजह से बहुत सारे लोगों ने रोपोसो को अनइंस्टॉल भी कर दिया। मैंने खुद ने भी अनइंस्टॉल कर दिया है और बहुत सारे मेरे दोस्तों ने भी अनइंस्टॉल कर दिया, और बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स थे यूट्यूब पर उन लोगों ने भी रोपोसो अनइंस्टॉल कर दिया है। आप भी मुझे लगता है रोपोसो यूज करते थे, लेकिन आपने भी अब रोपोसो यूज करना बंद कर दिया है। अभी मैं मौज एप्लीकेशन पर वर्क करता हूँ, उसके बाद जिली एप्लीकेशन पर वर्क करता हूँ, और रिजल एप्लीकेशन पर वर्क करता हूँ, बहुत सारे एप्लीकेशन पर मैं वर्क करता हूँ, शॉर्ट वीडियोज बनाता हूँ मेरे, लेकिन रोपोसो जो है उस पर मैंने अपनी शॉर्ट वीडियोज अपलोड करना भी बंद कर दिया। उसका क्या रीजन था, क्योंकि रोपोसो पर अगर कोई भी आप शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हो तो वहां पर वेरिफिकेशन फेल हो जाता है और रोपोसो पर वीडियोस अपलोड नहीं होते। उसके बाद आप रिक्वेस्ट करोगे उनको, रिक्वेस्ट होने के बाद वो लोग आपका जो वीडियो है उसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद आपका वीडियो अपलोड होगा वहां पर, ठीक है। तो ऐसा सब कुछ होता था, इसीलिए रोपोसो पर वीडियोज अपलोड करना मैंने बंद कर दिया। क्योंकि यार एक तो रोपोसो कुछ भी हमें पैसे भी नहीं दे रहा है, और ऊपर से अगर हम उस पर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, मतलब हमारे वीडियोस अगर वहां पर हम अपलोड कर रहे हैं तो रोपोसो पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उस वीडियोस को भी वो वेरीफाई नहीं करता है, मतलब कि वेरिफिकेशन फेल हो जाता है। उसके बाद आप उसको जीमेल पर मैसेज भेजो, उसके बाद वो रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद आपका वीडियो अप्रूव होगा। तो ये तो यार मतलब कितनी मगजमारी करनी पड़ती है वहां पर हमें, ठीक है, इतनी सी बात के लिए। तो ये सब नहीं अच्छा था, इसीलिए रोपोसो सभी ने अनइंस्टॉल कर दिया। और एक और बात बता दूं यहाँ पर आपको, रोपोसो ने बोला तो है कि भाई जो मोनेटाइजेशन का सिस्टम है वो ऑन होगा और मोनेटाइजेशन सिस्टम वापस से आएगा, पैसा कमाना भी वापस से स्टार्ट होगा, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है अब कभी भी रोपोसो पैसा देगा नहीं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, पैसा तो रोपोसो को देना चाहिए, ठीक है, और अगर चालू हो जाए तो मेरा भी फायदा है, मैं भी यूज करना स्टार्ट कर दूंगा और आप भी करोगे, मुझे भी पता है, ठीक है। लेकिन ये होने वाला नहीं है, इससे अच्छा एक मेरे पास रास्ता है, और वो रास्ता अगर आप अपनाओगे तो आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो और ज्यादा से ज्यादा आप वायरल भी हो सकते हो। वो रास्ता है यूट्यूब। आपको वीडियोस अपलोड करना नहीं आता है, यूट्यूब पर आपको चैनल बनाना नहीं आता है, तो वो सब सिखाने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर है, और आपका भाई भी अब आपको सिखाएगा कि यूट्यूब पर आपको कैसे वीडियोस बनाने हैं और यूट्यूब पर आप कैसे वायरल हो सकते हो, ठीक है, और यूट्यूब चैनल मोनिटाइज कैसे करना है, यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ते हैं, यूट्यूब चैनल पर व्यूज कैसे आते हैं, ये सब आपका भाई आपको बताएगा। लेकिन गाइस यूट्यूब पर अगर आपका चैनल सक्सेस हो गया और यूट्यूब पर अगर आप कंटिन्यू वर्क करते रहोगे तो वहां पर अनलिमिटेड अर्निंग होगी और लाइफ टाइम अर्निंग होगी। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, एप्लीकेशन बंद हो जाता है उसके बाद अर्निंग बंद, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन जब तक है तब तक अर्निंग होगी। अब यूट्यूब है 2008 में बना और 2010 से जो है उसका अर्निंग का और ऑप्शन सब आ गया और स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो 2010 से सभी लोग यूज कर रहे हैं और बहुत सारा अर्निंग कर रहे हैं सभी लोग। तो यूट्यूब से बहुत सारे लोगों ने फोर व्हील्स भी ले ली है और बहुत सारे लोग बहुत अमीर बन चुके हैं यूट्यूब से ही से,
टिकटॉक से भी बने थे, लेकिन टिकटॉक तो अब बंद हो चुका है। इसे छोटे छोटे एप्लीकेशन बंद हो जाएंगे, लेकिन गाइस यूट्यूब कभी बंद नहीं होने वाला है। तो यूट्यूब पर वीडियोस बनाना स्टार्ट करो और चैनल मोनेटाइज होगा। चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी बहुत दिक्कतें आती है, मेरे साथ हुआ है, क्योंकि पिछले एक मंथ से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था। इसका एक ही कारण था कि मेरा जो चैनल है उसका एड्रेस वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा था। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी दास्ता मैं यहाँ पर आपको सुनाऊंगा। देखिए, मैंने पहली बार ट्राई किया, $10 मेरी कंप्लीट हो गए। ठीक है, उसके बाद मैंने एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए कोड आता है, मतलब आपको पूरा समझाता हूँ कि जब $10 आपके कंप्लीट होते हैं तो एडसिन से आपका एड्रेस वेरिफिकेशन का कोड आता है। ठीक है, अब उस एड्रेस वेरिफिकेशन के कोड को आपको भेजा जाता है डाक घर से आपके घर पर। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, पोस्ट के द्वारा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि यूट्यूब तो वहां से कोड भेज देता है, लेकिन उसका कोई ट्रैकिंग आईडी नहीं होता, इसलिए आप ट्रैक नहीं कर पाते हो, और बीच में जो लोग होते हैं वो हमारे तक पहुंचाते नहीं है। और इसी वजह से क्या होता है कि तीन बार आपका जब वेरिफिकेशन फेल होता है, मतलब तीन बार जब आपका कोड नहीं आता है एड्रेस वेरिफिकेशन का, उसके बाद वो लोग कोड नहीं भेजते हैं पोस्ट से। ठीक है, और उसके बाद आपका मोनेटाइजेशन है वो ऑफ हो जाता है, और उसी के कारण आपके वीडियोस पर जो एड्स आते थे, एडवर्टाइज आती थी, वो नहीं आती है, और आप पैसे नहीं कमा पाते हो और अर्निंग नहीं कर पाते हो। तो इसका क्या होता है कि जब भी ऐसा होता है तो उसका एक रास्ता तो होता ही है, मतलब कोई ना कोई रास्ता होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका चैनल डिमोनेटाइज हो गया और अब कभी मोनेटाइज नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, तो कोई यूट्यूबर इतना आगे तक बढ़ा ही नहीं होता। ठीक है, तो इसका क्या है गाइस कि मैंने दो तीन बड़े बड़े यूट्यूबरों से बात की, तो उन्होंने बोला, एक ने बोला 6,000 रुपए हो गए अगर आपको एड्रेस वेरिफिकेशन का कोड चाहिए, तो 6,000 रुपए आप हमें दोगे, हम सब कुछ कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका आईडी हमें देना है, हम आपका सब कुछ वेरीफाई करवा देंगे। ठीक है, और आपकी अर्निंग वापस से स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे लगा कि यार 6,000 तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, क्योंकि हम छोटे यूट्यूबर है, कोई भी स्टार्ट करता है तो सीधा यार 6-7 हजार का इन्वेस्ट नहीं कर देता, कुछ कमाता है उसके बाद थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट होता है। ठीक है, तो 6,000 मांगे, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा कि भाई आप यूट्यूबर हो, आप सब कुछ सिखाते हो यूट्यूब पर, तो किसी भी व्यक्ति को ऐसी आशा होती है कि भाई ये बंदा है, मतलब आप उसके सब्सक्राइबर हो, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, तो रोपोसुक का कुछ भी काम होगा तो अगर मेरे से फ्री में नहीं हो सकता तो मैं कुछ छोटा सा अमाउंट अगर ले लूंगा, ठीक है, लेकिन मैं इतना बड़ा अमाउंट कभी किसी को नहीं दूंगा। तो 6,000 मुझे बहुत बड़ा लगा अमाउंट, इसलिए मैंने मना कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक दूसरे यूट्यूबर से मैंने पूछा, तो उसने बोला कि 2,000 या 3,000 रुपए में आपका एड्रेस वेरिफिकेशन करवा देंगे। तो मैंने बोला कि 2 या 3 हजार भी नहीं ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं, वो लोग हमें एड्रेस वेरिफिकेशन कैसे करना है ये सब सिखाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम उस, वो बोलते हैं कि कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारा कांटेक्ट करिए। ठीक है, अब हम कांटेक्ट करते हैं तो वो सीधा यही बोलते हैं, कुछ भी रास्ता दिखाए बिना सीधा यही बोलते हैं कि आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हम करवा देंगे, इतने पैसे भरने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने उनको भी मना कर दिया। फिर एक भाई है, उनका नाम मैं यहां से लूंगा, ठीक है, त्यागी जी है, उनको मैंने मैसेज किया, उन्होंने हमें कहा कि आपका एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हम करवा देंगे, लेकिन दूसरा एडसिन उसमें जोड़ना पड़ेगा और 200 रुपए छोटा सा अमाउंट लगेगा, और मैंने हाँ भी कर दिया, सब कुछ कंप्लीट मैंने हाँ कर दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 2-3 दिन के लिए मैं बिजी हो गया, मैं दूसरे ही दिन उनके पास करवाने वाला था, उनका व्यक्तित्व स्वभाव भी मुझे अच्छा लगा, उनका पर्सनल नंबर भी उन्होंने मुझे दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2 या 3 दिन बाद मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि मेरा जो एडसिन है वही वापस अकाउंट ओपन हो सकता है, तो मैंने सोचा कि एक लास्ट ट्राई कर लेता हूं, उसके बाद अगर नहीं होता है ठीक है तो त्यागी जी को बोलूंगा। लेकिन क्या हुआ गाइस, एक खुशी की बात यह थी कि मैंने थोड़ा सा ट्राई किया और वहां पर मुझे आधार कार्ड या कोई भी आपका आईडी होता है एडसिन में आपने डाला होता है जिस नाम से, उसका उसको वेरीफाई करने के लिए बोला गया, और मैंने आधार कार्ड का फोटो क्लिक करके वहां पर अपलोड किया और दूसरे ही दिन मेरा जो एड्रेस वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया और वापस से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सरल उपाय था, कोई भी कर सकता है। तो त्यागी जी को सबसे पहले मैं यहाँ पर यहां से थैंक यू बोलूंगा कि आपने अच्छे से मेरे से बात की और अच्छे से आपने मेरी बात को सुनी और छोटे से अमाउंट में आपने मेरा काम करने के लिए बोला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैंने खुद ही कर लिया, इसलिए आपकी आपको मैंने कॉल किया, आपका हेल्प लेने की कोशिश की, वो भी ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके खुद ही कर लिया, ये मेरे लिए थोड़ा सा गर्व की बात है और थैंक यू सो मच त्यागी जी आपका। ठीक है, तो गाइस अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला था मेन बात कि यूट्यूब चैनल बनाइए, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आपका भाई और बहुत सारे यूट्यूबर है
जो आपके हेल्प के लिए बैठे हैं, आपका चैनल मोनेटाइज होगा, वहां से अर्निंग स्टार्ट होगी और ढेर सारी अर्निंग होगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के वीडियो में यही था कि रोपोसो अर्निंग दे या ना दे उसके भरोसे मत बैठो, कोई भी दूसरी एप्लीकेशन के भरोसे मत बैठो, बस आप दूसरा कार्य करो, आगे आगे कार्य करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। देखिए एक श्लोक है संस्कृत में, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगाः। इसका अर्थ ये होता है कि उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति, ठीक है, मतलब सिर्फ उद्यम, मतलब क्या है कि आप अगर दिमाग में सोचते हो कि मुझे ये करना है लेकिन आप अपने हाथों से करते नहीं हो, कुछ मेहनत नहीं करते हो, तो कार्य कभी सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, ठीक है, मतलब उद्यम मतलब साहस से ही कोई कार्य हो सकता है। ठीक है, मनोरथ करने से, सिर्फ सोचने से वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। जो जंगल का शेर होता है ना, उसको भी अगर शिकार करना है, पेट भरना है अपना, जंगल का शेर मतलब जंगल का राजा, उसको भी अपना पेट भरना है तो हिरण के पीछे दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। हिरण उसके मुंह में अपना सिर नहीं रख देगी कि भाई तुम मुझे खा लो। ठीक है, तो यही श्लोक का अर्थ है। तो उठो जागो और अपना कार्य सिद्ध करो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, वरना कुछ नहीं हो पाएगा, किसी के भरोसे मत बैठो बस। तो रोपोसो चला गया तो ऐसा नहीं सोचना है कि अब अर्निंग नहीं कर पाओगे ऑनलाइन। यूट्यूब पर आओ, यूट्यूब पर वीडियोस बनाना स्टार्ट करो एंड वापस से अर्निंग स्टार्ट कर दो। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक भी वहां पर दिया हुआ है, आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।